हेलो गाइस, आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है बो। ये 2010 में रिलीज हुई थी। ये कहानी 15 साल देवरा नाम की लड़की के ऊपर आधारित है, जो अपनी जरूरत और शौक को पूरा करने के लिए गलत रास्ता चुनती है, जिसके कारण उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। मूवी की स्टार्टिंग में हम 15 साल की देवरा और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं, जो स्कूल के आने के बाद कहीं जा रहे थे। उसके बाद वो दोनों किसी जंगल में जाके किसी सुअर की तरफ फैल जाते हैं। तभी देवरा स्कूटी पे एक लड़की को देखती है जिसे देखकर अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है। उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड उसे गपागप करने की कोशिश करता है, लेकिन देवरा बोलती है कि अभी हमारे रिलेशनशिप को सिर्फ 2 वीक हुआ है, अभी मैं अपने ग्लेन में पानी भरवाने के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ। उसके बाद देवरा अपने घर चली जाती है। दरअसल देवरा अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहती थी। तब उसकी माँ आके बताती है कि मुझे मेरी जॉब से निकाल दिया गया है। उसके बाद देवरा अपनी माँ के साथ नाना के यहाँ रहने चली जाती है, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। देवरा की माँ के पास उनके पॉकेट मनी के भी पैसे नहीं थे, जिसके कारण देवरा अपनी माँ को ही दोस्त देने लगती है। इसी बात पर दोनों बहस होने लगती है। देवरा एक शौकीन किस्म की लड़की थी, जिसे अपनी जिंदगी के सारे शौक पूरे करने थे। अगले दिन वो वही स्कूटी वाली लड़की को देखती है, जो आज किसी और के साथ महंगी गाड़ी में आई थी। वो वहाँ खड़ी हुई बाकी लड़कियों से लाइटर मांग रही है, पर किसी के पास लाइटर नहीं था। तब देवरा भाग के उसके पास जाती है और लाइटर देती है, और उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे पास वाले ही घर में रहती हूँ। जेनिफर उसे थैंक्स बोल के चली जाती है। देवरा का बॉयफ्रेंड नीचे इंतजार कर रहा था, पर देवरा को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो जेनिफर को देखकर काफ़ी इंटरेस्टेड थी, इसलिए उसके साथ दोस्ती करना चाहती थी, क्योंकि वो भी उसी की तरह जिंदगी जीना चाहती थी। शाम को क्लास ख़त्म होने के बाद देवरा अपने दोस्तों के साथ कपड़े खरीदने जाती है, जहाँ वो एक जींस ट्राई करती है। उसकी दोस्त उससे बोलती है कि ये तुम पे बहुत अच्छी लग रही है, पर देवरा के पास उससे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, जिससे वो अपने दोस्त से बोलती है कि जींस मुझे पसंद नहीं है। देवरा हमेशा ओवरथिंक में रहती है, क्योंकि उसकी उम्र की सारी लड़कियों के पास वो सारी चीज़ें होती है जो उनको चाहिए होती है। घर पहुंचने के बाद वो देखती है कि उसके नाना सोए हुए हैं। वो चुपके से नाना की अलमारी से $50 निकाल देती है, पर बाद में उसे अनकम्फर्टेबल फील होता है, इसलिए वो $50 को रख के ओनली $20 निकालती है। घर से निकलने के बाद वो देखती है कि जेनिफर के घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है, इसलिए वो दोनों पार्क में जाके बैठ के बातें करने लगती है। कि जेनिफर देवरा से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, जिससे देवरा बिना सोचे समझे हाँ कर देती है। उसके बाद वो दोनों एक क्लब में जाते हैं और देवरा वहाँ काफ़ी इंजॉय करती है, क्योंकि इससे पहले वो कभी क्लब। जेनिफर देवरा से पूछती है कि क्या तुम ड्रिंक लोगी, जिसमें देवरा जेनिफर को $20 देकर बोलती है कि तुम्हें जो चाहिए लेकर आना। जेनिफर उसे पैसा लेने से मना कर देती है और बोलती है कि मैं बिना पैसे के ड्रिंक लेकर आती हूँ। ड्रिंक काउंटर के पास वहाँ खड़े दो लड़कों को जेनिफर चुमा देती है और ड्रिंक लेकर आ जाती है, जिस पर देवरा पूछती है कि तुम ये सब कुछ कैसे कर लेती हो। जेनिफर बोलती है ये सब सीक्रेट है, जिस पर जेनिफर बोलती है कि मैं एक ऐसी जगह काम करती हूँ जहाँ पर बहुत सारे बॉयस मिलेंगे और वो तुम्हें जो कहेंगे वो तुम्हें करना होगा। देवरा उससे पूछती है कि गपागप भी। जेनिफर उससे बोलती है हाँ, अगर वो गपागप की बात करते हैं तो तुम्हें वो भी करना होगा, और तुम्हें वहाँ काम करने के लिए अपना एक यूनिक नेम रखना होगा। जिस पर जेनिफर उसे एक नेम देती है, जो नेम है बो नेम देती है। अगली सुबह देवरा अपने कमरे से उछलती हुई निकलती है और उस खुशी खुशी में अपनी माँ से $5 मांगती है, लेकिन उसकी माँ बोलती है कि तुम ऑलरेडी $20 ले जा चुकी हो। पर देवरा कहती है कि मैंने पैसे नहीं लिए, और वो अपनी स्कूल की लड़कियों से खुद को कंपेयर करने लगती है। उसके बाद वो गुस्से में जेनिफर को कॉल करती है और उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ गप्पा गप्पा वाला काम करना है, जिससे मैं पैसा कमा सकूँ, ताकि मैं अपनी ज़रूरत और शौक दोनों को पूरा कर सकूँ। उसके बाद जेनिफर उसे विंसेंट नाम के आदमी के पास ले जाती है, जो गपा गप का काम कर रहा था, उसका डीलर था। वो देवरा से उनकी एज पूछता है और देवरा अपनी एज 18+ बता दी है,
उसके बाद विंसर उससे नए कपड़े और दिलवाता है, जिससे डेबोरा काफ़ी खुश हो जाती है। और घर जाने के बाद मम्मी से बड़े प्यार से बात करने लगती, बोलती है कि मुझे एक होटल में काम मिल गया है जिसमें मैं नाइट में काम किया करूँगी। उसके बाद उसे विंसर का फ़ोन आता है और बोलता है कि तुम्हें तुम्हारा पहला क्लाइंट मिल गया है, और वो उसे रॉबर्ट नाम के क्लाइंट के पास ले जाता है, जो डेबोरा के साथ गपगप करने की कोशिश करता है, लेकिन डेबोरा उसे मना कर देती है, जिससे विंसर उस पर काफ़ी गुस्सा होता है और वो बोलता है कि ये रॉबर्ट मेरा पुराना बड़ा क्लाइंट है। उसके बाद डेबोरा को कुछ पैसे देता है, जिससे डेबोरा काफ़ी खुश हो जाती है। अगले दिन जेनिफर से पूछती है कि क्या तुमने कभी गपगप किया है, जिसमें जेनिफर बोलती है हाँ, पहली बार मेरी फट गई थी, पर अब मुझे इन चीज़ों में डर नहीं लगता, अब मैं नॉर्मली ये सब कुछ कर लेती हूँ। उसके बाद इन दोनों को विंसेंट का कॉल आता है और वो बोलता है कि तुम दोनों को रात को एक साथ आना है। जेनिफर अपने क्लाइंट के साथ गपागप करने लगती है और डेबोरा चुपाचुप में करने में नर्वस थी, बट वो सब कुछ करना पड़ता है। अगले दिन विंसेंट मैसेज करके डेबोरा को बुलाता है और अपने स्कूल में कुछ बहाना लगा के डेबोरा वहाँ से चली जाती है। वो खुद में नर्वस थी और फिर भी उसको गपागप करना पड़ता है। गपागप करने के बाद डेबोरा काफ़ी सैड थी, जिसके बाद विंसेंट उसको बोलता है बस तुम्हारा एक बार स्कूल ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा। अब डेबोरा काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गई थी और वो किसी भी आदमी के साथ गपगप कर लेती थी। अब उसका मेन मोटिव पैसा कमाना था, जिसके कारण डेबोरा के पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए थे, जिससे वो डिपोलाल को भी खरीद सकती थी। अगले दिन डेबोरा के भाई का बर्थडे था और सब कोई मुर्गा खाने में बिजी था, तभी डेबोरा को विंसेंट का कॉल आता है और वो अपनी माँ से बोलती है कि मुझे इम्पोर्टेंट काम से होटल जाना होगा, पर उसकी माँ उसे वहाँ जाने से मना कर देती है, जिसके कारण वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वहाँ विंसेंट और जेनिफर दोनों एंजॉय कर रहे थे, तभी वहाँ एक छोटा जॉन सिन आता है जो डेबोरा को $400 देता है, जिसके बाद डेबोरा उसके साथ भी गपगप कर लेती है। विंसेंट ये काफ़ी देर से देख रहा था, विंसेंट को ये काफ़ी बुरा लगा है क्योंकि डेबोरा उसे पूछे बिना उसके साथ गपगप किया, लेकिन विंसेंट भी उसके साथ गपगप करता है। जब डेबोरा वहाँ से घर जाती है तब उसकी माँ को उसके सारे पैसे मिल जाते हैं। इतने सारे पैसे कहाँ से आए, जिस पे वो बोलती है कि मैंने बहुत से ऑफिस से चुराए। तब उसकी माँ बोलती है तू झूठ बोल रही है। तब डेबोरा बोलती है कि मैं एक कप का काम करती हूँ जिसमें बहुत सारे पैसे मिलते हैं। इसके बाद उसकी माँ उसे घर से निकाल देती है। उसके बाद वो विंसेंट को कॉल करती है, लेकिन विंसेंट का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। उसके बाद वो रोबोट के घर चली जाती है, तब वहाँ पता नहीं कहाँ से पुलिस आ जाती है और वो डेबोरा को पकड़ के बाल सुधार केंद्र में भर देती है। डेबोरा वहाँ एक और लड़की के साथ मिलती है, जिससे उसकी दोस्ती हो जाती है। उसकी सजा जल्दी ख़त्म होने वाली थी और उसके डेबोरा उसे बोलती है कि ये विंसेंट का नंबर है और मैं जल्दी ही यहाँ से छूट जाऊँगी, और उसके बाद उसको बोलना कि मुझे कॉल करे। अगले दिन डेबोरा की माँ उससे मिलने आती है, लेकिन डेबोरा उससे काफ़ी गुस्सा थी और अगले दिन उसके नाना भी उससे मिलने आते हैं। उससे बोलती है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी लाइफ बचाने के लिए सही किया है, जिससे हम व्यूअर्स को पता चलता है कि उसकी माँ ने ही उसे बंद कराया था। उसके बाद डेबोरा जेल से छूटने के बाद डेबोरा सीधा विंसेंट के घर जाती है और जहाँ वो डेबोरा के बाल काट देता है, जिससे कि उसे कोई पहचान न पाए। विंसेंट उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अकेला हो गया था, और जब तुम यहाँ से गई तो मेरा सारा काम भी बंद हो गया था, जिसके कारण मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मैंने पैसे लोगों से उधार लिए। जिस पर डेबोरा बोलती है कि मैं दोबारा से वो काम नहीं करूँगी,
और तभी वहाँ जेनिफर आती है जो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। तभी वहाँ अनजान आदमी आता है। तब विसन बोलता है कि मैं थोड़ी देर में यहाँ से आता हूँ। डेवरा नीचे दिखती है, तब विसन उससे कोई आईडी दिखा रहा था, इसलिए डेवरा अभी अपनी आईडी ढूंढने लगा, जिससे उसे पता चलता है कि विसेंट उसकी आईडी ले गया और उसे सेल्फी कर रहा है। वो नीचे जाने की कोशिश करती है लेकिन सारे दरवाजे लॉक थे। वो जेनिफर को ये सारी बातें बताती है, पर जेनिफर को ये सारी बातें मजाक लगती है। इस पे डेवरा बोलती है तू भी मरेगी कुतिया। वो अपने माँ को कॉल करने की कोशिश करती है, तभी वो अनजान आदमी उसे पकड़ लेता है और वो दोनों को वैन में बिठा कर वहाँ से ले जाने लगता है। रात को वो लोग गाड़ी को साइड में लगाते हैं, जहाँ डेवरा उनका फोन किसी तरीके से चुरा लेती है और गेट खोल के वहाँ से भागने लगती है। जेनिफर को वो लोग पकड़ लेते हैं लेकिन डेवरा वहाँ से किसी तरह से भाग जाती है और अपनी माँ को कॉल करके बोलती है मैं आ रही हूँ वापस। और ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। मूवी कैसी लगी कमेंट में।